हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। सारे भाई बहनों को आज हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, और आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे भाई बहनों को बता दें कि अपना जो दो क्लास होता है, एक क्लास तो ये 1:30 बजे और दूसरा क्लास रात में 11 बजे, वो जरूर देखा करें। ये पूरा SSC को डेडिकेटेड है और दोपहर वाला जो है वो रेलवे को डेडिकेटेड है। और डेली 7 बजे आप सारे भाई बहनों के लिए टॉप क्लास कंटेंट के साथ फ्री अनअकैडमी पर क्लास चल रहा है। इसके लिए आप हमें फॉलो कर लें और तरीके से आप हमारे साथ पढ़ें। आपको बता दें कि डेली हमारा क्लास 7 बजे जो होता है उसमें जाकर इनरोल जरूर कर लें। और जो फ्री क्लास है उसको देखने के लिए आप क्या करिए, आप ये करिए कि हितेश वंजीरो के साथ उस क्लास में जुड़ जाइए। आपको बता दें कि सारे भाई बहनों के लिए 7 जनवरी से हमने एक बैच शुरू किया था 12 से 1। भारी डिमांड को देखते हुए 18 जनवरी से दोबारा एक बैच शुरू कर रहे हैं 11 से 12। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दोनों बैच में आप पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बैच है। इसके अलावा जितना भी यहां पर बैच चल रहा है वो सब में आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे रेफरल कोड हितेश वंजीरो के साथ। और अभी फी की बात करें तो 1 साल का 5400, 2 साल का 6600 आफ्टर यूजिंग माई कोड हितेश वंजीरो, ठीक है। और ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो जुड़े जरूर। और ये कॉम्बो ऑफर भी आप ले सकते हैं हितेश वंजीरो के साथ। हर वीक में 30 से ज्यादा क्लास शुरू होता है जिसको आप हितेश वंजीरो के साथ एक्सेस कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जरा आप बताएं फिर हम बताते हैं। फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट डू इट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर बताओ गुरु क्या होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत जा रहे हैं आप लोग, क्या बात है, क्या बात है। बेहद आसान है ये, अगर हम देखें क्या हुआ है। सारे जो बिस्किट हैं वो है मिलेट, और सारे जो मिलेट हैं वो हैं क्या, अनाज, और कुछ जो मिलेट हैं वो हैं जैम। कंक्लूजन क्या है, ऑल बिस्किट्स आर सेरल। तो ये जो है ये सही है, सम ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। इसको देखें जरा क्या होगा, ये जो प्रश्न है इसका आंसर बतलाएं क्या होगा। वायलिन, तबला, हारमोनियम एंड फ्लूट, इसमें अलग कौन सा, विच वन इज डिफरेंट, आपको ये पूछा जा रहा है कि इसमें अलग कौन सा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, तो मेरे हिसाब से तो बांसुरी हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी में वायलिन में ऐसे, तबला में तीन दिन दिन था, और हारमोनियम में सारे गामा, और इसमें मुंह से बजाते हैं, इसलिए फ्लूट आंसर है। इसको देखिए जरा सा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट डू इट। इसका जो आंसर है बतलाइए। ऑल बॉयज आर सिंगर्स, सम सिंगर आर ट्रेंड, नो टैलेंट, ट्रेंड आर गर्ल्स, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही उम्दा, शानदार चल रहे हैं आप लोग। सारे जो बॉय हैं वो हैं सिंगर, सम सिंगर आर ट्रेंड, और नो ट्रेंड आर गर्ल। कंक्लूजन है ऑल सिंगर्स आर बॉयज, गलत, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, तो ये भी नहीं बोल सकते हम, इसलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, नाइदर नॉर आंसर। ये देखो आज हम लॉजिकल और सिलॉक्स पर ज्यादा फोकस किए हैं, लॉजिकल और सिलॉक्स पर ज्यादा फोकस किए हैं डियर फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको बताइए। इसका दोनों का दोनों गलत होगा क्योंकि एक क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 80% तेज गेंदबाजों का द्वारा स्कोर किया गया, टीम में 80% गेंदबाज हैं। यहां पर अगर हम देखें 80% गेंदबाज हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 80% बनाया क्योंकि ऊपर वाले बैट्समैन आउट हो गए होंगे और प्रारंभिक बैट्समैन गेंदबाज थे, ये भी हम नहीं बोल सकते, इसलिए दोनों का दोनों गलत होगा। इसको देखिए जरा क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा, अगला जो प्रश्न है इसका आंसर बतलाइए। बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा लॉजिकल का। मेरे हिसाब से पहला सही है, क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दिया कि चेन्नई से केरला, केरला तक, केरला तो उसी में है भैया, केरला को कुछ और कर दो, केरला को कुछ और कर दो, अच्छा थ्रू बेंगलोर, यहां पर चलो हमने वाइजेक कर देते हैं, मतलब हैदराबाद कर देते हैं, हैदराबाद, हैदराबाद ठीक है, इसको हैदराबाद कर देते हैं। इसको हैदराबाद कर देता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब सन वांट्स टू गो टू हैदराबाद, द फादर एडवाइज्ड एवरीवन, तो भाई बेटा जो है वो हैदराबाद जाना चाहता है, पिता हर किसी को सलाह देता, तो ये जो है गलत, हाँ बेटा जाना चाहता है ये इससे पता चल रहा है। इसको देखिए जरा क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बतलाइए जरा क्या होगा। What do you think is the right answer for this? दक्षिण में तीन गया, बाईं ओर मुड़कर 500 मीटर गया, मतलब हाफ किलोमीटर। प्रारंभिक स्थिति से किधर है वो, तो ये अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 2:41 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। बहुत ही उम्दा और जबरदस्त चल रहा है, बहुत ही उम्दा और जबरदस्त चल रहा है। 11/2 m के जगह 41 इन 30 × 2 ± θ, तो ये 20.5 है ना, तो 205 से अगर 11 को गुना करोगे तो 205 और 205, ये 5, 5, 2 और ये 225.5 हो जाएगा ये, और −60 = θ, तो ये 5 ये और 12 में 6 = 6, 165.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अगले में ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए जरा सा, बहुत ही उम्दा और जबरदस्त चल रहे हैं आप लोग, क्या बात है, लगा दो दम, दिखा दो कि आप हो रीजनिंग असली सिंघम और बाकी सब में है पानी का, बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा है, कैसे निकालिएगा आप, तो बाएं से 16 के बाएं 13, टोटल 3 हो गया, तो बाएं से तीसरा सी होता है, तो आंसर सी हो गया। इतना आसान प्रश्न है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। आज पर्व का दिन है, आज डिसीजन लीजिए और आज बैच ज्वाइन कर लीजिए हितेश वंजिरो के साथ बेसिक पढ़ते हुए। आपको हम गारंटी देते हैं कि अगला मकर संक्रांति तक आपका जो है नौकरी तय होगा, क्योंकि इतना ना मेहनत करवा देंगे, इतना ना पढ़ा देंगे कि कहीं कोई असुविधा ही नहीं होना, ठीक है ना, तो आप जुड़े जरूर हमारे साथ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत,
ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, है ना। सबसे पहले वो दक्षिणावर्त गया 45, ठीक है। तो दक्षिणावर्त अगर 45 गया तो फिर आगे हम देख लेते हैं एक बार, दक्षिणावर्त 45 के बाद क्या हुआ, ठीक है। 45 गया और एंटी क्लॉकवाइज में, अच्छा फिर उसी दिशा में 180 गया, तो ये 225 हो गया, और बायां 270 गया, तो 270 से इसको घटा दो तो 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आप गौर करो कि अगर अगर हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, अगर हम वेस्ट में हैं और 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाएंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, तो वही अपना आंसर है, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है ना। अगले में चलते हैं। इसका आंसर देखें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बतलाएगा अगला जो प्रश्न है, इसका आंसर बतलाएं क्या होगा। लैपटॉप हैंग मार देता है कभी कभी, क्या करोगे। तो यहां पर अगर हम देखें क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। MELT यहां पर हम देख रहे हैं 2419 लिखा, कैसे कैसे, ये भी देखने वाली बात होगी, ये भी देखने वाली बात होगी ना। यहां आप एक चीज को गौर करो, ये जैसे एक एक कम कर दो सबको, सबको एक एक कम कर दो, मतलब 13 होता है तो 12 लिख दिया, 5 होता है तो 4 लिख दिया, 12 होता है तो 11 लिख दिया, 20 होता है तो 19 लिख दिया। इसका इकाई 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, तो 2 4 1 9 आपका राइट आंसर है। टिमिड की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ये 19 होगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये 8 होगा और ये 3 होगा, तो ये हम 9 लिखेंगे, 8 2 8 और 3, तो 9 8 2 8 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 9 8 2 8 3, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में आइए, इसको जरा देखिए क्या होगा। नदी का किनारा होता है, एक्चुअली बैंक यहां भी लिख दिया है, तो सागर की क्या होती है ये पूछा गया। इसको सोर कहते हैं, किनारा इसका भी होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसको कहते क्या है, सोर। ये देखो ब्लड रिलेशन का बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आज थोड़े क्वेश्चंस कम होंगे क्योंकि हम आपको आज त्योहार मनाने के लिए ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, तो क्वेश्चंस थोड़े कम करेंगे, नाराज मत होइएगा। बाकी 11 बजे रात में फिर मिलेंगे, और आपको बता दें कि अपना जो सेकेंड फेज का एनालिसिस है वो भी तरीके से करेंगे, और अनअकैडमी पर जो 7 बजे वाला क्लास होता है वो भी करेंगे। बट आप लोग अगर बेसिक नहीं क्लियर किए हैं अभी तक और जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, ठीक है ना। एक महिला को इंगित करते हुए रमेश ने कहा, उसका बेटा जो लेडी है, इनका जो सन है, मेरी चाची का सॉरी मेरी बेटी का चाचा सुरेश जो है, उसकी जो बेटी है उसका चाचा, तो ये दोनों आपस में भाई होंगे, सुरेश महिला से कैसे संबंधित है, तो बेटा सुरेश से महिला कैसे संबंधित है, तो माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी, क्लियर है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आज का टोटल क्वेश्चन हम लेके आए थे आपके पास, जो आपने देखा ये सबसे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना।
और आपको ये भी बता दें कि आप अगर हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, और डेली 7 बजे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, तो आप जरूर डेली 7 बजे हमारे साथ जुड़ा करें, हितेश 1.0 के साथ वो क्लास आप देखा करें और फ्री में ये अनलॉक हो जाएगा हितेश 1.0 के साथ हमारा जो एक, इसके अलावा क्लासेस अनअकैडमी पर एक सुबह होता है कितने बजे 9:45 और दूसरा 7 PM पर, तो ये क्लास जरूर देखा करें। 7 जनवरी से 12/1 आपके लिए क्लास शुरू किए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं आप तो अभी के अभी जुड़ जाएं हितेश 1.0 के साथ। अगला जो बैच है वो 18 जनवरी से आ रहा है 11 से 12, ठीक है ना, और ब्रह्मास्त्र बैच हो चाहे आपका एग्जाम क्रैकर हो, सारे बैच आप हितेश 1.0 के साथ देख पाएंगे। अभी फीस 1 साल का 5400, 2 साल का 6400 पड़ रहा है आफ्टर यूजिंग हितेश 1.0। ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और ये सारे फैसिलिटीज आप कॉम्बो में भी ज्वाइन कर सकते हैं हितेश 1.0 के साथ। तो करना कुछ नहीं है, हर वीक में 30 से ज्यादा प्लस कोर्स शुरू होता है, आज के आज ज्वाइन कर लें। SSC एग्जाम कैटेगरी में जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन जितने महीने का लेना है सेलेक्ट करें, हितेश 1.0 लगाएं, हितेश 1.0 लगा के आप 2 साल का जो है 6480 और 1 ईयर का जो है 5400 में पा सकते हैं, और पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, और ये सारी फैसिलिटीज आपको वहां मिलेगी हितेश 1.0 के साथ। तो जुड़े जरूर, माँ बाप का नाम रोशन करें जरूर। प्रोसेस ये सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, शाम में 7 बजे अनअकैडमी पर आइएगा जरूर, और कभी भी कोई भी प्लस कोर्स खरीदना हो तो हितेश 1.0 के साथ जुड़िए। जय हिंद, सारे भाई बहनों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और बस इतना सा कहते हैं कि सभी भाई बहनों को हैप्पी मकर संक्रांति, अच्छे से रहें, गुड़ से आपका जिंदगी भी मीठा हो और खूब तरीके से इंजॉय करें। जय हिंद।